हेलो टू ऑल सेंटा एस्पायरेंट्स, येस हरियाणा टीचर्स हु हैव अप्लाइड फॉर PGT, TGT एंड प्रिंसिपल्स, दिस वीडियो इज़ फॉर यू. वीडियो वी हैव ऑलरेडी रिलीज्ड ऑन दिस सेंटा सिलेबस, बट स्टिल वी आर गेटिंग सो मैनी मैसेजेज अबाउट मोर ऑन दिस. सो वी आर हियर विद दिस वीडियो एंड यू नो इंटरेक्शन इज गोइंग टू बी देयर. लास्ट ईयर इट वॉज, बट दिस टाइम इट कैन बी चेंज्ड. बट वन थिंग is that MCQ of 75 marks are going to be there, which are 25 multiple choice question on your subject expertise, then 20 on your understanding of pedagogical practices, and then 5 for your understanding of communication skills. ठीक है, तो this video is for you. Now Senta is जो है approved by Haryana also ना, that's why, क्योंकि other state भी इसको ले रही हैं, तो अब ये नेशन वाइड ही होता चला जा रहा है. So we are in this video with those questions which are asked on your professional competencies like this. You can read this question here. A university has decided to stock their newly built library. The principal, Mr. Ghosh, called a meeting of the faculty and asked each of them to give a list of books they would recommend for their respective subjects. He said he would go through each list and pick the books that he thinks will help students and also fit into the budget. He requested the faculty to encourage students to use the library once ready. Right? Now, you will be given 4 options. Mr. Ghosh's leadership style in setting up the library can be best described as, तो आप बताएंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे. तो अगर आप स्टेटमेंट पढ़े यहाँ पर, तो आपको इजीली यू कैन गेस हियर कि इट इज़ टेस्टिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप. तो जैसे यहाँ पर दिया है, ए ऑप्शन इज पार्टिसिपेटिव, इज इट ट्रांजेक्शनल, ऑटोक्रेटिक और ट्रांसफॉर्मेशनल. ठीक है, तो 4 ऑप्शन पढ़े आप, ऑप्शन में आपको जो ठीक लग रहा है वो आपको बोला जाता है. वेयर ऑप्शन ए में देखिए, आप पार्टिसिपेटिव लग रहा है आपको. वेयर ही वैल्यूज हिज टीचर्स इनपुट्स दो द फाइनल डिसीजन आर मेड लार्जली बाय हिम. तो यहां पर आपको क्या लग रहा है आप बताइए. ठीक है, यहाँ पर फैकल्टी का इनपुट जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लिया जा रहा है, इट इज़ गुड ना. ट्रांजेक्शनल लग रहा है आपको, वेयर ही इज़ फोकस्ड ऑन हीज रोल ऑफ सुपरविजन एंड गेटिंग द जॉब डन. ऐसा लग रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ही असाइन पार्ट्स ऑफ द टास्क टू डिफरेंट पीपल एंड देन टुक द फाइनल डिसीजन ऑन हीज ओन. ठीक है, तो ये भी मुझे फिट नहीं लग रहा. आपको क्या लग रहा है? ऑटोक्रेटिक लग रहा है आपको, वेयर ही टेक्स ऑल डिसीजन विदाउट मच इनपुट फ्रॉम अदर्स. ऐसा तो नहीं लग रहा, इन्वॉल्व तो उसने किए हैं, ही हैज इन्वॉल्व्ड द इनपुट्स ऑफ अदर्स. तो ये भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है. आपको क्या लग रहा है? ट्रांसफॉर्मेशनल का ये एग्जांपल है, वेयर ही मोटिवेट्स ही टीचर्स थ्रू कम्युनिकेशन एंड गेट्स इन्वॉल्व्ड विद देयर गोल्स. यहां पर क्या हो रहा है कि ओनली आस्क द फैकल्टी टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स, ही डज नॉट एनकरेज. यहां पर हमें ए जो है फिट लग रहा है ना, क्योंकि यहां फैकल्टी का इनपुट जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लिया जा रहा है, पार्टिसिपेटिव हम इसको कहेंगे. वेयर ही वैल्यूज हिज टीचर्स इनपुट्स थ्रू द फाइनल डिसीजंस दो द फाइनल डिसीजन आर मेड लार्जली बाई हिम. तो इस तरह का क्वेश्चन जो है रिस्पेक्टिव टीचर्स आपसे पूछा जाएगा, और इसी तरह के अदर क्वेश्चन होंगे, बिट कन्फ्यूजिंग होंगे. तो थोड़ा सा आप अगर चारों को एनालाइज करेंगे ठीक से आंसर को, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए. मिस दिव्या हैज़ बीन अ टीचर इन ए हाई एंड स्कूल, हाई एंड स्कूल फॉर 10 ईयर्स. ठीक है, हाई एंड में, अभी शहर में कह सकते हो आप. एंड हैज़ ऑलवेज ट्राई टू इन्वॉल्व पेरेंट्स ऑफ हर students in school activities. She has recently relocated to a small town and is now teaching in a low-cost private school serving mostly children from underprivileged families. फर्क आ गया दोनों में, अब किसी रूरल में हो सकता है. ठीक है, तो वहाँ पर जो है underprivileged family के बच्चे हैं, तो क्या वही अप्रोच रखिए. Should she continue to try and improve, involve parents in school activities which is currently not being done in this school, जो अब तक नहीं हो रही थी, क्या उसे उसी तरह का पैटर्न जो अपनाना चाहिए इन्वॉल्व करने का? आप क्या कहते हैं? येस, द स्कूल हैज लिमिटेड रिसोर्सेज एंड शी शुड कंटिन्यू टू गेट पेरेंट्स इन्वॉल्व एंड कंट्रीब्यूट. अरे, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं क्या, इसीलिए मैं पेरेंट्स का नहीं, ये तो मुझे ठीक नहीं लग रहा. तो बी देख लेते हैं. येस, पेरेंट्स आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ ए चाइल्ड एजुकेशन एंड शुड बी इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज. देखते हैं, पहले तीसरा भी देख लेते हैं एक बार. येस, शी वुड बी एबल टू एस्टैब्लिश हर सेल्फ एज ए पायोनियर इन हर न्यू स्कूल. हर सेल्फ एज ए पायोनियर का तो टारगेट हमारा नहीं होना चाहिए कि अब तक नहीं होता है तो मैं करके दिखाऊंगी. ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए. ठीक है, हमारा मोटिव तो ये भी मुझे फिट नहीं लग रहा. येस, द पेरेंट्स हियर आर लाइकली इलिटरेट एंड पुअर
एंड दिस इज़ ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम ऑल्सो टू लर्न. नहीं नहीं ये भी नहीं ठीक लग रहा है, डी भी फिट नहीं बैठ रहा है यहाँ पर, है ना. क्योंकि डिस्पाइट वट एजुकेशनल बैकग्राउंड दैट पेरेंट्स कम फ्रॉम, ऑल पेरेंट्स शुड बी इन्वॉल्व इन देयर चाइल्ड्स एजुकेशन एज स्टडीज हैव शोन दैट पेरेंट्स एंगेजमेंट इम्प्रूव स्टूडेंट परफॉर्मेंस. ठीक है, तो यहाँ पर सी भी नहीं लग रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर कंसीडर कर रही है अपने आप को एज ए पायोनियर प्रूव करने के लिए. नहीं, इट शुड नॉट बी ड्राइविंग हर एक्शन, है ना. मोटिवेशन ये नहीं होना चाहिए हमारा. तो यहाँ पर जो है हमें फिट बैठता है कौन सा ऑप्शन, आंसर जो है बी फिट बैठता है यहाँ पर. क्योंकि एंगेजिंग पेरेंट्स इन देयर चिल्ड्रंस स्कूल लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट फॉर देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट, बेटर स्टूडेंट बिहेवियर इसमें आ जाता है, हायर एकेडमिक अचीवमेंट एंड एनहेंस सोशल स्किल्स irrespective of parents socio economic backgrounds. तो यहाँ पर बी ऑप्शन मुझे सही लग रहा है. तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, ये आइडिया देने के लिए आपको ये वीडियो बनाया, क्योंकि आपकी डिमांड आ रही थी. अब एक और देखिए, आप रिडंडेंसी पर आता है. यूजिंग एक्स्ट्रा वर्ड्स इज ए कॉमन एस्पेक्ट ऑफ पुअर लैंग्वेज, आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर अ वर्ड इज रिडंडेंट. अब आप यहाँ देखिए, ए में ऑप्शन दिया है दे एंडेड अप डुप्लीकेटिंग देयर वर्क ट्वाइस ओवर. यहाँ तो ट्वाइस और डुप्लीकेटिंग हमें कन्फ्यूजिंग सा लग रहा है, लेकिन ये अलग अलग मीनिंग है. यहाँ ट्वाइस जो है हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हाउ मैनी टाइम्स जो है वो डुप्लीकेट हमने किया. ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कोई रिडंडेंसी नहीं दिख रही है. यू विल एग्री दे ट्राई ट्वाइस एंड मेड द सेम मिस्टेक. दे ट्राई ट्वाइस एंड मेड द सेम मिस्टेक, तो इसमें क्या आएगा, दे ट्राई ट्वाइस. यहाँ भी कोई मुझे लग नहीं रहा है. ठीक है, रिडंडेंट वर्ड इसमें नहीं लग रहा है. ऑप्शन सी देख लेते हैं एक बार. नेवर एवर वॉज सच अ मिस्टेक मेड इन डुप्लीकेशन. नेवर एवर, अगर हम एवर को रिमूव करते हैं, नेवर वॉज सच अ मिस्टेक मेड इन डुप्लीकेशन, यहाँ भी जो है इट डज नॉट चेंज एनी मीनिंग. तो ये मुझे लग सकता है. फिर भी एक बार डी में चलते हैं. दे मेड एरर्स इन डुप्लीकेशन far too many times, यहाँ भी मुझे नहीं लग रहा है. far too many times से confused नहीं होना है. too indicate करता है कि threshold has been extended and far indicates that threshold has been greatly exceeded. ठीक है, तो ये क्वांटिटी एक तरह से डिग्री बता देता है. हैंस डी भी इनकरेक्ट लग रहा है. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन मुझे सी लग रहा है. नेवर के बाद एवर की जरूरत नहीं है, तो यहाँ सी आंसर मैं बोलता हूँ. आप क्या कहते हैं मुझे बताना. एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं जो आपका आ जाता है. ए स्टूडेंट इन योर क्लास हैज़ बीन सेंट टू स्कूल इन एन अनटाइडी एंड शेबी स्कूल यूनिफॉर्म फॉर मैनी डेज नाउ. अभी कई दिन से बच्चा जो है ना गंदे कपड़े डाल के आ रहा है. यू एज अ क्लास टीचर हैव टू राइट ए नोट टू हिज पेरेंट्स टू एंश्योर दैट दिस दे एड्रेस दिस. द नोट हैज़ टू बी क्लियर एंड एट द सेम टाइम नोट ऑफेंड और एम्बेरस द पेरेंट. इस पर उनको थोड़ा सा इंसल्टेड भी फील नहीं होना, फील होना लो फील ना करें वो. तो विच ऑफ द फॉलोइंग नोट्स विल यू सिलेक्ट फ्रॉम. तो यहाँ पर अब आपकी टेस्टिंग किस चीज़ की है कि योर एबिलिटी इज बीइंग चेक्ड कि हाउ यू इनकॉर्पोरेट सेंसिबिलिटी इन कम्युनिकेशन यूजिंग नोट्स टू पेरेंट्स वाला जो हम डायरी में लिखते हैं. तो एज पर द स्कूल्स गाइडलाइंस अगर हम ए का देखें ऑन हेल्थ एंड हाइजीन, योर चाइल्ड मे नॉट बी मीटिंग द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड. आई रिक्वेस्ट यू टू री रीड द गाइडलाइंस इन डिटेल. अब यहाँ पर गड़बड़ लग रही है कि एंटायरली जो है टू द ऑब्जेक्टिव क्या लग रहा है कि स्कूल गाइडलाइंस को फॉलो करो. भाई जो इंडिविजुअल स्टूडेंट की बात है वो इसमें नहीं आ रही है. तो या बी में ऑप्शन देखें, योर चाइल्ड हैज बीन कमिंग टू स्कूल इन एन अनटाइडी यूनिफॉर्म. आई रिक्वेस्ट यू टू, यहां पर अच्छे से एड्रेस करता हुआ लग रहा है मुद्दा भी और जो है नोट भी सही चढ़ाया गया है. आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इन टू द मैटर एंड सेंड हिम इन ए क्लीन यूनिफॉर्म एज पर द स्कूल गाइडलाइंस ऑन हेल्थ एंड हाइजीन. यहां गाइडलाइंस की बात की प्लस इंडिविजुअल अटेंशन भी स्टूडेंट का दिया है. सी देखें अगर एक बार, हेल्थ इज वेल्थ एंड क्लीनिनेस इज गॉडलीनेस. प्लीज help your child experience wealth and godliness by sending him to school in a neat and tidy uniform. यहाँ पर जो है एक flowery language use होती लग रही है, है ना. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. issue से जो है divert हो गया है ना. तो ये लग रहा है unclarity सी है इसमें कि parents सोच सकते हैं कि कहना क्या चाह रहे हो जी, हमारे बच्चे का कोई गलती हुआ है क्या. तो अब वो देख ही नहीं है, तो ये फिट नहीं बैठ रहा है. ठीक है, या एक बार डी भी देख लेते हैं. योर चाइल्ड अनक्लीन अटायर माइट लीड अदर स्टूडेंट्स टू फाइल अ कंप्लेन विद द हाइजीन डिपार्टमेंट ऑफ द स्कूल. अरे बाप रे, प्लीज़ अवॉइड योर चाइल्ड द एम्बेरसमेंट एंड एड्रेस द इश्यू क्विकली.
ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर शिफ्ट हो गया है ना फ्रॉम द स्कूल टू अदर चिल्ड्रन पे, मुद्दा कहाँ जा रहा है ये, विच इज़ नॉट हेल्पफुल इन रिजॉल्विंग द इश्यू। तो यहाँ पर हमें जो है बी सही डिसीजन जा रहा है कि ये सही इश्यू जो यहाँ पर वर्डिंग अच्छी लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी से उन्हें सेंसिटिविटी दिखाई है, एबिलिटी है टीचर की कम्युनिकेशन में, पेरेंट्स को वो इस तरह से लिख पर सकता है। ठीक है, और इश्यू जो है ले किया गया है क्लियरली से, पोलाइट रिक्वेस्ट भी पेरेंट्स से की गई है ना, और रेफर्स टू एन ऑब्जेक्टिव स्कूल गाइडलाइंस का भी है ना, तो ओपिनियन इसमें नहीं है, तो इस तरह से बी को हम सही कहते हैं। तो होप इट शुड बी इनफ इन दिस वीडियो, विद दीज 4-5 क्वेश्चन यू कैन हैव आइडिया ऑफ दिस टाइप क्वेश्चन आर गोइंग to be asked in your, keep checking your inbox now, अभी आपको जो हैं आने भी लग गए होंगे मॉक टेस्ट वगैरह, ये आपने हर रोज़ चेक करना है, सुबह शाम चेक करना है, रादर एक बार भी नहीं, मैं दो बार कहूँगा, मेरे टाइम भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है प्यारे रिस्पेक्टिव टीचर्स, बच्चों प्यारे बच्चे, यह बार बार निकलता रहता है। ठीक है, ओके, बेस्ट विशेस दिस टाइम, आ जाओ, अच्छी अच्छी पोस्टें पड़ी हैं आपके लिए, CBSE के स्कूल बनाए जा रहे हैं हरियाणा द्वारा, अभी 138 हैं, 500 भी करने हैं, तो बहुत पोस्टें हैं, आ जाओ, सभी टीचर्स को ये देना चाहिए, बेस्ट विशेस सबको।